पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा में हड़कंप, धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की बनाई लिस्ट। नमस्कार, मैं हूं सबानु सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी गई है। इसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले लें। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद भाजपा एक्शन में दिख रही है। नेताओं के पिछले 8 साल यानी सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया है। करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए, जबकि 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया। 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया है। जानते हैं भाजपा के ये नेता कौन हैं। इनमें अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिन्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोमाती शामिल हैं। गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद अरब देशों में बायकॉट इंडिया सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। इस बीच कुवैत के कुछ सुपर स्टोर्स ने भारत में बने सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कुवैत सरकार ने कहा है कि भारत में सत्ता में मौजूद पार्टी के नेताओं ने मुस्लिमों की भावना को आहत किया है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा यूएई, जॉर्डन और इंडोनेशिया ने भी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के बयानों पर आपत्ति जताई है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने भारत की आलोचना करते हुए UN से मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इधर भारत ने OIC के बयान को संकीर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, कुछ लोगों की अमर्यादित टिप्पणी भारत सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं करती है। धन्यवाद। और भी ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।